अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई ब्रेड रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया हुआ है, आप कोई सा भी क्रीम ले सकती हैं। चलिए इसको हम हैंड मिक्सर से अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। इस तरह से इसको हम अच्छे से फेंटेंगे, कम से कम 5 मिनट तक फेंटेंगे हम इसको। कोई और जैसे दूसरी मशीन आती है उससे ही फेंट सकते हैं। हाथ वाली है, इससे मैं इसको फेंट रही हूँ। चलिए देखिए, मैंने इसको अच्छे से फेर दिया है। इसको 5 से 6 मिनट मैंने इसको फेटा इस तरह से। अब इसमें डाल देंगे हम रूह अफ़ज़ा। चलिए लिया है मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है, इसमें डाल देंगे हम इसको। चलिए इसको हम फेट लेते हैं। चलिए इसमें 1 से 1.5 चम्मच में और डालूंगी, कितना हल्का है कलर इसका। चलिए इसको हम इस तरह से अच्छे से फेट लेंगे। फिर दोबारा से देखिए, अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है, अच्छे से गाढ़ा हो गया एकदम ये। चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। चलिए ये लिया मैंने ब्रेड, इसको मैंने इस तरह से काट लिए हैं। चारों तरफ से इसके जो कोर होते हैं इसको मैंने काट लिया है। मैं काट कर दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से काट लेना है। ये जो साइड का पीस निकलता है इसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे, जैसे फेंकना वकना नहीं है, इसको हम किसी भी काम में ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। ये दूध ले लिया है मैंने, 1/2 गिलास दूध लिया है। इसमें हम डाल देंगे ये बारीक पिसा हुआ चीनी, 2 चम्मच ले लेंगे। इसको हम मिला देते हैं। चलिए मैंने चीनी इसको मिला दिया इसके अंदर। ये लिया है मैंने जैसे जो ब्रेड है, इसको हम इसके अंदर इस तरह से डिप कर लेंगे हल्का हल्का। ज़्यादा देर तक इसके अंदर नहीं रखना है। हाथों से इस तरह से हम इसको दबा लेंगे, बस इस तरह से हम इसको रख लेंगे यहाँ पे। चलिए इस तरह से हम दूसरा भी ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर डिप कर देना है इसको। चलिए इसके ऊपर हम लगा देंगे जो हमने मलाई फेटा था, पूरा से लगा लेना है इस तरह से। चलिए इस तरह से मैंने ले लिया है, ये दूसरे पर भी मैं ऐसे ही लगा लेंगे। चलिए देखिए इस तरह से लगा लिया है मैंने दोनों पे ही। ये लिया है मैंने नारियल का बुरादा, एक तो मैंने सिंपल सादा रखा हुआ है और एक में मैंने रूह अफ़ज़ा मिलाया है। इसको रूह अफ़ज़ा मिला करके मैंने इसको रख लिया है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह से। अब थोड़ा हम ये डाल देंगे। चलिए हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। और इसके हम इस तरफ भी लगा लेंगे, इस तरफ भी लगा लेंगे। चलिए इस तरह से हम बना के इसको, ये जो बुरादा मैंने रखा था इसके ऊपर से इस तरीके से इसको हम घुमा लेंगे। इस तरह से सारा इसके ऊपर चिपक जाएगा ये। चलिए देखिए, आधे तरह से व्हाइट, आधे तरह से हमने पिंक लगाया है। इस तरह से भी लगा लेंगे हम। तो चलिए हमारा ये बन चुका है एक पीस। ये देखिए मिठाई है ये, इसको मिठाई बोलिए, बहुत ही अच्छा चीज़ बनता है ये। तो ये देखिए इस तरह से। अब हम दूसरा जो ब्रेड है उस पर भी हम ऐसे लगाएंगे। तो ये देखिए 2 पीस मैंने बनाकर दिखाए हैं आपको, बाकी के सारे पीस भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है मलाई ब्रेड रोल। इसी तरह से बनाएं, झटपट से बन जाता है ये। ईद का स्पेशल मिठाई होता है ये, आप किसी भी त्यौहार पे इसको बना सकती हैं। तो इसी तरह से बनाएं और बहुत जल्दी झटपट से बन गया है। चलिए हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे हम पिस्ता। आप चाहे तो थोड़ा सा इसे बीच में ही रख के इस तरह से डेकोरेट कर सकती हैं, अपने अपने मनपसंद की बात है। और जो उनका ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डालें आप। चलिए देखिए इस तरह से मैंने पिस्ता से डेकोरेट किया है। तो इसी तरह से बनाइए, बहुत ही जल्दी और झटपट से बन जाता है ये। तो इसी तरह से बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से आप बनाइए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाता है ये। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।